जिन छात्रों को 2024 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों का डमी एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, जिसको हम डमी प्रवेश पत्र भी कहते हैं। और ये जो डमी एडमिट कार्ड होता है ना, ये जारी ही इसलिए किया जाता है कि अगर किसी बच्चे के अगर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई गलती रह गई हो तो उसमें सुधार हो सके। और इसके लिए बाज़ाब्ते ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वालों के लिए डमी एडमिट कार्ड समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने, दिनांक 11 नवंबर तक इसमें सुधार कराने के संबंध में आवश्यक सूचना। तो ये जो डमी एडमिट कार्ड जारी हुआ, इसमें सुधार क्या क्या होगा, किसका किसका डमी एडमिट कार्ड आएगा, डाउनलोड कहां से करेंगे हम, ये सारी बात। और सबसे बड़ी बात कि अगर हमारे ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी मूल पंजीयन पत्र में कोई गलती रह गई हो तो ये डमी एडमिट कार्ड जो आया इसमें सुधार कराने से उसमें यानी कि मूल रजिस्ट्रेशन सुधार होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। क्या क्या चेंज होगा, कहां से चेंज होगा, सुधार कराने की पूरी प्रक्रिया क्या है, तो इन सब चीजों के लिए डाउनलोड लिंक के लिए गूगल में आपको सर्च करना है स्काईलाइट स्टडी, और सबसे ऊपर यहां पर जो रिजल्ट आएगा इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ऊपर में ही आपको एक पोस्ट नजर आएगा, बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर डमी एडमिट कार्ड 2024, यहां से करें डाउनलोड, सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहां पर डमी एडमिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि ये जो डमी एडमिट कार्ड आया ये केवल उन्हीं छात्रों का डमी एडमिट कार्ड आएगा जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, जो परीक्षा फॉर्म भरे हैं उन्हीं का डमी एडमिट कार्ड आएगा। जिनका फॉर्म नहीं भराया, जिन्होंने मैट्रिक इंटर का फॉर्म भरना छोड़ दिया है, उनका डमी एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब रही बात की जो एक्स स्टूडेंट होते हैं उनका डमी आता है कि नहीं, तो देखिए किसी किसी साल एक्स स्टूडेंट का भी डमी आता है और किसी किसी साल नहीं भी आता है। रही बात एक्स स्टूडेंट के सुधार की, तो एक्स स्टूडेंट जो होते हैं जो इससे पहले फेल हो गए थे और फिर से एग्जाम फॉर्म भरे हैं, उनका सुधार भी नहीं होता है, जो डिटेल पहले था उनका वही रह जाता है। अब जो ये 12 का डमी एडमिट कार्ड आया उसमें सुधार क्या क्या होगा, तो देखिए आपका अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, कोटी यानी कास्ट कैटेगरी हो गया, सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, धर्म, फोटो, सिग्नेचर, ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं स्पष्ट बता दूं कि आप केवल छोटा मोटा बदलाव कर सकते हैं। ये जो नाम, माता का नाम, पिता का नाम है, इसमें आप छोटा मोटा बदलाव कर सकते हैं। ये तीन चीजें जो है यानी कि छात्र का अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, इसको पूरा का पूरा नहीं बदल सकते। अगर आपने पूरा का पूरा चेंज कर दिया तो फिर आपका जो कैंडिडेचर है यानी कि आपका अभ्यर्थित्व वो रद्द कर दिया जाएगा, फॉर्म, रजिस्ट्रेशन सब रद्द कर दिया जाएगा। तो सुधार कर सकते हैं, पूरा का पूरा चेंज नहीं कर सकते। तो वो नोटिफिकेशन यहां पर डाला गया है, यहां पर भी है। उसके बाद मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक के डमी एडमिट कार्ड में भी वही अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, सब कुछ सुधार जा सकता है। यहां तक कि सब्जेक्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज आप चेंज कर सकते हैं। देखिए अथॉरिटी कॉलेज को, स्कूल को होती है, स्कूल कॉलेज चाहे तो बदलाव कर सकता है, चेंज कर सकता है, सुधार कर सकता है। लेकिन होता क्या है ना कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज इनकार कर देते हैं कि ना हम सुधार ना करेंगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए जो भी सॉल्यूशन होगा आपके अपने कॉलेज या स्कूल से ही होगा, जो भी करेगा स्कूल कॉलेज ही करेगा और कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब रही बात कि सुधार कराने की प्रक्रिया क्या होगी, सुधार कैसे कराएंगे हम, तो सबसे पहले तो आपको नीचे दिए गए लिंक से ये डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। अगर मान लेते हैं कि लिंक से डाउनलोड होने में समस्या हो तो ये डमी एडमिट कार्ड आप अपने स्कूल या कॉलेज जहां पर आपका नामांकन है, जहां से आपने फॉर्म भरा है, वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर डमी एडमिट कार्ड में कोई गलती है तो पहले उसका एक फोटोकॉपी कराइए और उस फोटोकॉपी को, डमी एडमिट कार्ड के फोटोकॉपी को अपने स्कूल कॉलेज में लेकर के जाइए। उसके बाद अपने स्कूल कॉलेज में जाकर हेडमास्टर से मिलिए या फिर शिक्षक से मिलिए, यानी जिनसे सुधार कराने के लिए मिलने के लिए कहा जाए उनसे मिलिए, उन्हें अपना डमी एडमिट कार्ड दिखाइए और उसमें जो गलती है वो बताइए। और उसके बाद डमी एडमिट कार्ड में जहां पर गलती है वहां पर या तो हो सकता है कि शिक्षक या फिर आप स्वयं अपने कलम से क्या कीजिए कि वहां पर डिटेल को सही कर लीजिए और फिर इस कलम से सही किए हुए इस डमी एडमिट कार्ड पर अपना साइन करके अपने हेडमास्टर या फिर टीचर के पास जमा कर दीजिए। फिर आपके स्कूल के जो हेडमास्टर हैं या फिर टीचर हैं वो बिहार बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका डमी एडमिट कार्ड में सुधार कर देंगे। याद रखिए कि अगर डमी एडमिट कार्ड में सुधार हो गया तो एग्जाम के बाद जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड फिर से आता है बोर्ड से छप करके, उसमें सब कुछ सही छप के आ जाएगा। अभी जो आपको स्कूल से मिला A4 पेपर पर प्रिंट करके मिला, फोटोकॉपी वाले पेपर पर प्रिंट करके मिला, उसमें गलती भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम के बाद दूसरा आएगा और उस नए वाले में एग्जाम के बाद जो दूसरा रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा मूल पंजीयन पत्र, उसमें सब सही हो जाएगा। तो डमी एडमिट कार्ड में सुधार जरूर करवाएं। कभी भी यह सुधार होगा तो आपके अपने स्कूल कॉलेज से होगा, आप स्वयं नहीं कर सकते। आप अपने से सोचेगा कि हम ऑनलाइन सुधार कर लें तो यह संभव नहीं है।
कभी भी सुधार करने का जो अथॉरिटी है, अधिकार है, ये आपके अपने स्कूल या कॉलेज पर है। यहाँ पर देखिए मैट्रिक का डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, जहाँ पर इसको खोलिएगा तो आपके सामने एक जो पेज खुलेगा उसमें क्या करना होगा, सिंपली आपको अपना स्कूल कोड, फिर अपना नाम, फिर फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल करके सर्च पर क्लिक करना है। तो अगर ये सब कुछ सही सही डालिएगा तो आपका डमी एडमिट कार्ड खुल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर इंटर का जो है डमी एडमिट कार्ड का लिंक दिया हुआ है। देखिए याद रखिएगा कि कभी भी बिहार बोर्ड नोटिफिकेशन पहले जारी करता है और उसके बाद जो लिंक है बाद में एक्टिवेट करता है। तो ये 12 का अभी डमी एडमिट कार्ड जारी हो गया है, मैट्रिक का 2 से 4 दिन के अंदर अंदर ये भी जारी हो जाएगा। तो ये दोनों लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। यही लिंक अभी तो भले ही ना खोले, क्योंकि आपको मैंने बताया कि भाई लिंक बाद में एक्टिव होता है, लेकिन बाद में आप इसी लिंक से अगर अभी ना भी खोले तो ट्राई करते रहें, इसी लिंक से डाउनलोड होगा और आपको डाउनलोड करके देख लेना है। अगर सब कुछ सही है तो कुछ भी नहीं करना है, बस उसको चुपचाप अपने पास रख लेना है, अपने आप आपका फाइनल एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन अगर गलती है तो सुधार जरूर करवाना है और इसके लिए डेट रखा गया है 11 नवंबर तक। तो डमी एडमिट कार्ड के बारे में कोई और डाउट आपके मन में बच गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।